फ्राइड चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और हमने यहाँ पे कुछ बीन्स लिए हैं, थोड़े से धनिया काट के ले लिया है, दो हरी मिर्च, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, एक मीडियम साइज़ का प्याज। यहाँ पे हमने लिया है मसाले में गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ हमने चावल बने थे, ये बचे हुए चावल हैं, ये हमने फ्राई करने के लिए ले लिए। और यहाँ हमने लिया फ्राई करने के लिए ऑयल, ये सरसों का ऑयल है। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम जीरा बताना भूल गई थी मैं, हम इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा। जीरा पकने के बाद हमने इसमें लहसुन और मिर्ची डाल दी है, हम इसे पकने देंगे। फिर हमने इसे इसमें प्याज डाला, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हमारे यहाँ प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया, हम इसमें अब बीन्स डालेंगे। अब हम इसे पका लेंगे कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर। ये हमारे यहाँ से बीन्स पक चुका है, और हमने इसमें टमाटर डाला जो हमने गैस पर रखा था। साथ ही हम इसमें जो हमने मसाले रखे थे निकाल के वो डालेंगे, सब मसाले इकट्ठे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे कुछ देर ढक के पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाएं। हमारे टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं, इसे हम थोड़ी देर और ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे, इसे अच्छे से पका लेंगे ढक के, मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हम ढककर पकाएंगे। कुछ देर बाद हमने खोल कर देखा तो हमारे चावल थोड़े से और पकने के लिए बाकी हैं, हम इसे ढककर थोड़ा सा और पका लेंगे। अब हमारे चावल पक चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमने जो धनिया कट करके रखी थी वो इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। देख सकते हो हमने इसे बाउल में निकाल लिया है।